सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के बीच बेंगलुरु में खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को मात दी। चलिए इस मुकाबले को लेकर हम बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत के साथ और जानेंगे कि आखिर कैसे सनराइजर्स हैदराबाद को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। तो प्रशांत, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए प्लेऑफ में पहुंचने की राह काफ़ी मुश्किल हो गई अब इस हार के बाद। देखिए, जैसे कल बात करी थी कि बेंगलोर का काम बिगड़ा हुआ है, वो अगर किसी और का टीम बिगाड़ सकती है तो वो ज़रूर ऐसा ही होगा, क्योंकि आज ऐसा ही हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो टीम बैक टू बैक दो मैच हारेगी। चाहे फिर वो बात हम बॉम्बे की करें, बॉम्बे के खिलाफ सुपर ओवर हुआ था, सुपर ओवर में वो हार गए थे। और देखिए, पहले से हम इस बारे में बात कर रहे थे कि बेंगलोर की टीम हार जरूर चुकी है, लेकिन जो सनराइजर्स की टीम है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी बल्लेबाजी, क्योंकि आपके पास टीम में बेरिस्टो नहीं थे, आपके पास डेविड वार्नर नहीं थे। अब आपको जरूरत थी एक मजबूत पार्टनरशिप की, वो जरूर आज वृद्धमान साहा और मार्टिन गप्टन ने दी, लेकिन उस पार्टनरशिप को ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाए। और सिर्फ केल मिलियनसन ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 70 रन बनाए। और देखिए, मिडिल ऑर्डर का चलना बहुत जरूरी है इतने बड़े मुकाबले में, और खुद केल मिलियनसन ने अब ये बोला है कि वी होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अब अगर हम दर्शकों को ये समझाएं कि अब प्ले ऑफ में कैसे पहुंच सकती है हैदराबाद, तो हैदराबाद ऐसे पहुंच सकती है कि आज जो मैच होगा कोलकाता वर्सेस मुंबई का, उसमें कोलकाता का हारना बेहद जरूरी है, क्योंकि रन रेट इस वक्त हैदराबाद की शानदार है, अच्छी है कोलकाता से, और वो टॉप फोर में अभी तक बना हुआ है। और अगर आज कोलकाता हार जाती है मुंबई से, तो हैदराबाद अपनी लक की वजह से और कोलकाता की हार की वजह से पहुंच सकता है। लेकिन अभी भी कहेंगे कि हैदराबाद की तरफ से फ्लॉप शो था। और दूसरी अहम बात यह है कि आज विराट कोहली अपनी जीत के साथ, तो उन्होंने इसका अंत किया है, सीजन 12वें सीजन का अंत किया है, वो दिख भी रहे थे अभी हमने देखा, काफ़ी खुश थे। उमेश यादव ने जब चौके मारे तो उनकी खुशी कहीं और ही थी। अगर सीजन का अंत खराब हुआ था चेन्नई के खिलाफ, टीम 100 रन से भी कम में आउट हो गई थी, और ऐसे में टीम का ऐसे बैक करना और इतना अच्छी तरह कुछ बीच में मैच हारे, कुछ आशाएं बढ़ी थी कि शायद बैंगलोर की टीम पहुंच जाए, लेकिन अपने ही मैदान पर जीत के साथ अंत करना, इससे अच्छी ज़्यादा खुशी कोई होगी नहीं। और विराट कोहली निराश जरूर होंगे कि वो ट्रॉफी तक नहीं पहुँच पाए, ये साल है उनका लगातार कि वो ट्रॉफी तक नहीं पहुँच पाए जब से बैंगलोर के कप्तान बने। तो होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि जब से वो IPL खेल रहे हैं वो बैंगलोर के साथ ही जुड़े हुए, अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जिता के लाए थे, उसके बाद से फ्रेंचाइजी ने उन्हें खरीदा था, कभी खिलाड़ी के तौर पर, कभी कप्तान के तौर पर, वो हमेशा जुड़े रहे बैंगलोर से। कि देखिए, कप्तान के ऊपर मानसिक दबाव पड़ता है जब आप हारते हैं, आप खुद परफॉर्म करते हैं, एबी डिविलियर्स टीम में है, मोइन अली टीम में थे, तो इतने बड़े बड़े जब नाम होते हैं और जब वो फ्लॉप होते हैं तो कहीं ना कहीं निराशा होती है। और निराशा आज हैदराबाद को भी है कि ऐसा कैसा खेल कर दिया। और देखिए, तारीफ यहाँ पे उनके गेंदबाज खलील अहमद की करनी पड़ेगी, भुवनेश्वर कुमार को भी 2 विकेट मिले, लेकिन जो खलील अहमद, इनका जो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस है वो बेहद शानदार था। वो जब से मैच खेल रहे हैं हर मैच में 3 विकेट ले रहे हैं, और शायद अगर वो परफॉर्मेंस पहले कर देते तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप के लिए उनका नाम आ जाता। भले ही अब वो एक एक्स्ट्रा बॉलर के तौर पे जा रहे हैं, प्रैक्टिस कराने वाले बॉलर के तौर पे जा रहे हैं, लेकिन हम एक जो लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज जिसकी कमी से हम जूझ रहे थे, वो हमें खलील अहमद मिल गया है ये कह सकते हैं। और इंडिया से भी वो खेले, काफ़ी अच्छा चांस मिला है, तो IPL कुछ अच्छे प्लेयर्स निकाल के भी देता है, और आज का मुकाबला भी काफ़ी शानदार हुआ। एट द एंड ऑफ द डे जीत क्रिकेट की हुई। अगर आज के मुकाबले की बात करें तो RCB के लिए जीत के हीरो कौन थे, गुरकिरत मान सिंह या फिर हिटमायर? दोनों ही खिलाड़ियों के बीच सेंचुरियन पार्टनरशिप हुई है, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जो RCB के अगर आप जीत के हीरो बोले तो सबसे पहले उनकी गेंदबाजी थे, क्योंकि जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर ने परफॉर्म किया, 3 विकेट लिए, उसके बाद नवदीप सैनी जो इम्प्रेसिव थे, चेतेश्वर पुजारा ने बोला था कि नवदीप सैनी की जो स्पीड है उसने काफ़ी इम्प्रेस किया है, तो नवदीप सैनी ने 2 विकेट लिए। तो शुरुआत में जब टीम कोलैप्स हो जाती ना, जैसे कि आप बोल रहे थे कि पार्टनरशिप ही नहीं हुई, तो जब T20 जैसे गेम में पार्टनरशिप नहीं होती तो कहीं ना कहीं शुरू के 6 ओवर जो पावर प्ले, दो फील्डर बाहर होते हैं, और ऐसे में जब पार्टनरशिप नहीं होती तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है, और आज वो परेशानी हुई तो गेंदबाजों को ज़्यादा श्रेय जाएगा। उसके बाद में हिटमायर, जिनका आशा थी वो शुरुआत से चलेंगे, बहुत बड़ा नाम था, कैरिबियन प्रीमियर लीग में शानदार गेम किया था, बिग बैश में भी, तो उनसे आशा थी कि वो अच्छा खेलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। एट द एंड ऑफ द डे, मतलब आखिरी मैच में जाके वो चले, और गुरकिरत सिंह उनको कम चांसेस मिले, लेकिन जब भी चांसेस मिले उन्होंने अच्छा किया, आज भी 65 रन बनाए और हिटमायर के साथ मिलकर शानदार पारी खेली, तो एक अच्छा अंत कहेंगे। हैदराबाद की तरफ से आज कई गलतियां हुई हैं, गेंदबाजी में तो नहीं बल्लेबाजी में हुई, जैसे हम काफ़ी दिनों से बल्लेबाजी की बात कर रहे थे कि टीम शायद 2 बल्लेबाजों पर, बैरिस्टर और डेविड वार्नर पर डिपेंडेंट हो गई है, और वैसे ही आज हुआ, और बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और आशा अब तो सिर्फ किस्मत के भरोसे है कि भैया KKR हार जाए मुंबई के खिलाफ, क्योंकि बैंगलोर ने तो उनका कान बिगाड़ दिया। जी, मेरा अगला सवाल यही था कि मतलब कि 4 नंबर की गुलती कौन चल जाएगा, SRH या फिर KKR? अभी के परफॉर्मेंस से तो ये देखा जाए, क्योंकि ये ज़्यादा जो पलड़ा है वो आपका KKR का भारी दिख रहा है,
केकेआर के पास में ऑलराउंडर्स भी है, केकेआर के पास में शानदार बल्लेबाज भी है, जिस टीम के पास रसेल उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके पास गेंदबाज भी हैं, संदीप वरियर ने अच्छा किया था, केसी करियप्पा है उनके पास में, उनके पास में पीयूष चावला है, उनके पास में सुनील नरेन है जो बल्लेबाजी में भी कमाल करते, लेकिन चल नहीं रहे। दिनेश कार्तिक जो इंटेंस लेवल हमने देखा उनके साथ पिछले मैच में वो शानदार था। तो इस वक्त जो अगर पूरा लाइनअप देखा जाए तो वो केकेआर की तरफ जाता है और शायद केकेआर के चांसेस बन सकते हैं। बड़े अंतर से भी उनको मैच जीतना होगा, अगर रन रेट अपनी हाई रखनी है तो बड़े अंतर से मैच जीत के पॉइंट्स ज़्यादा लेके दो पॉइंट्स मिलेंगे ऑब्वियसली और वो चौथे नंबर पर आ जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा। चलिए, प्रशांत ने तो कह दिया कि अगर केकेआर को टॉप फोर में जगह बनानी है तो उन्हें बड़े अंतराल से मैच जीतना होगा। चलिए, हम भी यही चाहेंगे कि कल जो मुकाबला होने वाला है केकेआर और मुंबई के बीच, केकेआर की टीम जीत हासिल करे और टॉप फोर में अपनी जगह पक्की करे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ आप हमारे इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें।